है यहाँ पर लुधियाना में कॉलेज रोड पर और संस्था है हम होंगे कामयाब। और इस संस्था को आज हम हमारे बहुत ही आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर सतीश कांत जी की याद में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देकर इकट्ठे हुए हैं। और मैडम बेनू सतीश कांत जी आपके सामने हैं और आज हमारे बीच स्पेशली पहुंचे हैं चंडीगढ़ से रेड क्रॉस से मैडम राजी जी जो रात दिन मरीजों की सेवा करते हैं। और इनको आपने बहुत बार देखा होगा, ये है मंजीत सिंह, अक्सर किप्स मार्केट में आपने देखा है, स्केच बनाते हैं और बहुत बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। और प्रदीप शर्मा जी तो स्टेज के जाने माने डायरेक्टर जिनके साथ मैंने बहुत बार काम किया है और मेरे लिए बहुत खुशी का ये विषय होता है। और इधर हैं मेरे बहुत पुराने जिगरी दोस्त राजू राणा, ये आजकल प्रॉपर्टी का काम करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने कैंपिंग भी स्टार्ट की है, तो ठंडे इलाकों में इनके बहुत अच्छे से कैंप्स चलते हैं योगा मेडिटेशन और जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे कामों में आपको इन्वॉल्व करते हैं। तो चलिए मैडम राजी जी के पास पहुंचते हैं और शॉर्ट में इनसे जानते हैं कि रेड क्रॉस के माध्यम से क्या क्या सेवा कर रहे हैं मैडम। पुअर पेशेंट के लिए कर रहे हैं, मेरे को 20 साल हो गए इसमें आए हुए और तब से मेरा एम है कि किसी एक को मतलब ठीक करना है। और तब से पता नहीं कितने ऑपरेशन करवाए, बच्चों के हार्ट में होल वो ठीक करवाए, मेडिसिन किसी को चाहिए पुअर पेशेंट को वो दी। ऐसे जैसे डॉक्टर ही मेरे को फ़ोन कर देते हैं, एक पेशेंट है उसको, फिर उनके सारे पुअर कागज़ लेके मैं रेड क्रॉस में देती हूँ, मेडिसिन मंगवा के उनसे पैसे लेके वो चेक वगैरह लेकर उनको पेमेंट होती है। क्या बात है, बहुत एक नेक काम के साथ आप जुड़े हुए हैं। आज हमारी एक और मेंबर यहाँ पहुंची नहीं, नाम उनका है मोनिका, तो बहुत अच्छी राइटर है, अगर आज वो यहाँ होती तो आपकी ये बातें सुन के वाकई उन्होंने भावुक होके रोना शुरू कर देना था, बहुत सेंटी है, बहुत इमोशनल है। शी इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ वो होंगे कामयाब, वो हमारे हम होंगे कामयाब की कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो बड़ा उनका प्रयास है मैडम बेनू जी के साथ जुड़कर। तो आपका राजी जी स्वागत है लुधियाना में और इसी तरह आप आते रहिए और हमें आशीर्वाद और प्रेरणा देते रहिए। अब मैडम आप इस संस्था के बारे में बताइए थोड़ा सा। और ओके, तो इन्होंने इशारा किया प्रदीप जी की तरफ, तो प्रदीप जी बताएं संक्षेप में इस संस्था के बारे में, कैसे लोग जुड़ सकते हैं। हम होंगे कामयाब जो ग्रुप है उन स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उन पुराने साथियों का ग्रुप है जो कभी दर्पण नाम के ग्रुप से यहाँ पे काम कर चुके हैं, बहुत अच्छा काम किया है और आज भी इनिशिएटिव ले रहे हैं सामाजिक बुराइयों के प्रति, उनको ठीक करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप जी, मैंने भी दर्पण में आपके नाटक में आपके निर्देशन में कंडयाली थोर में काम किया था जिसमें आपने मुझे तब विलेन का रोल दिया था, पर संयोग से मैं थोड़ा विलेन नहीं बन पाया जिंदगी में, अच्छाई की तरफ ही बढ़ने का मौका मिला, लेकिन आपकी डायरेक्शन हमेशा लाजवाब, बहुत बढ़िया। तो अभी आने वाले दिनों में आप क्या प्लान कर रहे हैं? अभी आने वाले दिनों में हम ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड अब्यूज और फार्मर सुसाइड, इन सब विषयों के ऊपर आधारित हम छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से बनाएंगे और उनके सहयोग से बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि सभी पुराने साथियों के सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज बहुत सालों बाद फिर वो कॉलेज के दिन, कॉलेज की लाइफ ताज़ा हुई, याद हुई, डॉक्टर सतीश कांत जी के पास हम पढ़ते थे और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने लाइफ में समझाया था। मेरी आदत होती थी कि मैं इधर उधर बहुत घूमता था, जहाँ चार चमकीले चेहरे देखे तो मैं भाग लिया था, मैं बहुत ज़्यादा शरीफ, लेकिन उनका यह कहना था कि इतना अपने आप को निखारो, इतना हार्ड वर्क करो कि एक दिन आसमान में सूरज की तरह बन जाओ और फिर सभी चमकीले चेहरे तुम्हारे पीछे भागते होंगे। और वो वाकई गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा देखने को मिला। और आज यहाँ पर मैडम राजू जी आए हैं, राजू जी कैमरा पर हैं अभी, और मंजीत जी आए हैं और प्रदीप जी आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम सभी मिलकर कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ज़रूर शुरू करेंगे ताकि यूथ को कला में और समाज सेवा में लाया जा सके। और मैडम
बेनू सतीश कान जी के नेतृत्व में हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सके। धन्यवाद।